पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास जहां पर कल एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि यह है बाबा खाटू श्याम की मूर्ति है और ये सोने की बताई जा रही है किसी और धातु की। तो मैं सभी से अपील करूंगा, आप धर्म के नाम पर जो भक्तों के साथ उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहाँ पर लोग धर्म की आड़ में, देवताओं की आड़ में अपने मकसद पूरे करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। लोग बड़ी दूर दूर से उनको देखने के लिए आते हैं, अपना काम धंधा छोड़ कर आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनके साथ रास्ते में कोई अनहोनी घटना भी घट जाती है। तो आप इस तरह की वीडियो को ज़्यादा प्राथमिकता न दें। दोस्तों, इस वक्त पहुँचे हैं हम गाँव बस्सी के अंदर और बस्सी के अंदर कल एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था कि इस गांव के अंदर खाटू श्याम की मूर्ति निकली है और जिसे कुछ लोग सोने की बता रहे थे तो कुछ लोग किसी अन्य धातु की। तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं बस्सी के अंदर। तो सीधे चलते हैं उस परिवार के पास जहाँ पर बाबा खाटू श्याम की एक मूर्ति निकली है और उसको लेकर लोगों की क्या है राय। क्या देखा, क्या पता चला है? हमने तो अच्छी लगी और सुने प्रचार सुने देखा, हमने तो यही फील हो अभी मूर्ति निकली है। अच्छा। और उसको देखने पर भी यही लगा अभी पुरानी, वैसे देखा ना तब भी ऐसी लगा अभी ये पुरानी मूर्ति है। अच्छा। किस एंगल से विश्वास है आपने पूरी अभी प्राचीन? हमने तो पूरा विश्वास है। अच्छा। पूरी श्रद्धा से कह रहे हम तो। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि आप परिवार ने आप पे दबा दी होगी। एक बात छोटी सोचने की। हाँ जी जी, आप सुने जानते जी जी। जो लेडीज है जी। अगर 10 रुपया खुजे ना उसकी मेरी भी चक्कर काटती फिरेगी। हाँ। ऐसी कोई लेडीज नहीं है अपने घर में से पैसे दे के खरीद के और इसका वो करेगी, ऐसी कोई लेडीज नहीं हो सकती, ना कोई बच्चा हो सकता ऐसा, ठीक है ना? आपने इस बात में तो आप समझो हो भाई। नहीं, कई कई बार ना आस्था के साथ खिलवाड़ भी होता है जी। कई बार होया भी है, बहुत बार हुआ ऐसा। और कोई कर देगा उसको भी हम तो ये मान रहे हैं भाई, बाबा श्याम को हम खुद नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता अपने घर में ऐसा काम, कोई करे नहीं। मतलब किसी दूसरे ने कर दिया हो, शरारत करने वाले का कोई पता नहीं। अभी पता है अभी आस्था है इनकी, हमारी आस्था है, हम नहीं मानते इस चीज ने भाई दूसरे ने कराया होगा। हमने तो सिर्फ बाबा की पूजा से, बाबा की श्रद्धा से, अपने तन मन का श्रद्धा करें उस हिसाब से हम ये मानने भी तस्वीर निकली है तो बाबा प्रकट हुए हैं। हमारे तो पूरी मतलब बाबा का आशीर्वाद है परिवार पे पूरा पूरा पूरा। तो हमारा भी यही मकसद है कि भाई कोई ऐसा ना हो भी धार्मिक, कोई ज्यादा खुदाई भी नहीं, सिर्फ 8 या 10 इंच के अंदर से निकला है। देखो बहुत दिन हो गए इसमें, उस दिन के भी यही काम कर रहे हैं, हम ये बात मानना। सब्जी भी लगा रखी, सारे काम कर रहे हैं। अगर कोई हर एक चीज का टाइम होता है, टाइम होने के बाद तो सब चमत्कार होना है। इसका क्या पता, इसका यही टाइम हो, इस बात का तो नहीं पता किसी ने। बिल्कुल, आपने आप मान रहे हो चमत्कार हुआ? हम तो मान रहे हैं भाई, हमारा तो पूरा दिल मान रहे, अभी पूरा चमत्कार है हमारा तो, हमारी तो पूरी भावना है बाबा में, बाबा में भावना है, लेकिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप इसकी जांच, आप चाहते हो इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल पता लगना चाहिए अभी प्राचीन है कि नहीं है, कितने साल प्राचीन है। प्राचीन है। कौन बोल रहे बेटे? वो कल कमेटी मेंबर आए थे संत वाले मंदिर से खाटू श्याम जी के, वो बोल रहे थे है तो प्राचीन, नट इनके नए हैं, सारे नट नए लगे हुए हैं, जो भी देख रहा हो नटों के ऊपर कह रहा है ये नट बिल्कुल नए हैं। यदि ये नट देखो, बात सुनो, असल में बाबा खाटू श्याम का मंदिर है वहाँ जाओ, यात्रा भी काटी जाओ, उसमें भी जाओ, हमारे एक यात्रा में शामिल होगा। अच्छा। हाँ। पता लग जाए नहीं तो हम शामिल होगा, हमारी श्रद्धा है और जब लग श्रद्धा रहेगी बनाए रखेंगे। पता है क्या? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा ना लोगों को थोड़ा सा बहम ही हो रहा है भाई, शायद इन्होंने खुद ना कर। हाँ, क्योंकि जी इसकी जो गहराई है ना उसकी वजह से ज्यादा डाउट है। जो लोग इस मतलब इस आस्था से है ना, इनका मतलब जब से इस कार्टून रेस के साथ जुड़े हैं जी, इनका ना बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। ये नहीं चाहते मतलब इन्हें इसकी ताकत का पता है, अगर यही इनके साथ खिलवाड़ करेंगे इन्हें पता है इसकी शक्ति का अंदाजा है भाई क्या उसका इनके साथ। ये तो मतलब लगभग लगभग तय है भाई, इन्होंने ये काम नहीं किया, ये चमत्कार है या किसी मतलब किसी ने अलग नहीं किया, अदर पर्सन है। हाँ, क्योंकि इनके बेनिफिट इतने होने, इनका बच्चा बहुत ज्यादा बीमार था वो ठीक हो गया, इनके साथ और भी मतलब पशु मना लो खेती में लगा लो या घर में लगा लो बहुत ज्यादा दिखते थे, अब इनका बहुत ज्यादा आराम है। ये तो बहुत अच्छे से जुड़े हैं खटन रेस के साथ,
इतना सबने पता है, सारा गांव ने पता है, और मतलब जैसे कमेटी मेंबर से बात हुई तो उन्होंने पता है चीज़ का। इस गांव में ज्यादा प्रचार करने वाले यही है मतलब कुल देवता भी। हाँ, क्या नाम है आपका? रोहतास। एक बात और भी है, जिस दिन ते ये वहाँ खाटू श्याम जाने लगे, तेरे को मेरे को इनकी श्रद्धा थी भाई जितनी संगत हो इतनी संगत जोड़ सके, इन्होंने पूरा काम कर जोड़ी, जितनी बड़ी इतनी श्रद्धा था इनने इतनी संगत जोड़ी। वही बात है, इस बात का तो पता नहीं भी, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, सबका एक जैसा तो मन बिल्कुल है, सबके अब अलग अलग विचार, अलग अलग विचार है, अलग अलग ये नहीं, मन भी एक है, मन भी अलग अलग है, बिल्कुल सबकी सोच अलग है, मन अलग है, भावना अलग है, श्रद्धा अलग है। अगर हम बुरा सोचेंगे तुम्हारे साथ बुरा होगा। हाँ बेटे ऐसे ही बोल रहे हैं कि ये किसी ने शरारती है, यदि बाबा की मूर्ति निकलती तो काफी डूंगाई से निकलती, 8 या 10 इंच से निकली है, और ज्यादा खुदाई में निकल, खुदाई में भी नहीं है, और जो नट लगे हुए हैं उन पर जर भी नहीं लगा हुआ, या तो ऊपर वाले ने पता या दबन वाले ने पता। मतलब इसकी जांच होनी चाहिए ना, हम तो इस मूर्ति की भी जांच होनी चाहिए। हाँ जी, मंत्री का भी कह रहा है प्रगट होया, प्रगट होया किसी की नहीं शरारत। ये तो चीज अभी रोज खाना जाना था, ये तो है नहीं, अभी काफी टाइम बाद आए हैं, रोज खाना जाना था, सब्जी भी लगा रखी है। अगर किसी ने बाहर का कर दिया होगा तो देखो उसका तो कोई कुछ कह नहीं सकता, बिल्कुल तो कहना है इस चीज ने, फिर बाहर वाला का भी भला जो ऐसा काम कर गया। हम बाप देखो, और भाई गांव के लोग जैसे ही ये मूर्ति बाहर निकली थी तो लोगों ने तरह तरह की, बड़ी दूर दूर तक इस मूर्ति कहा था कि ये सोने की मूर्ति है या क्या है, और सिर्फ जो महज हम खुदाई की बात करें तो 8 या 10 इंच के अंदर ही ये मूर्ति निकली है, मात्र 8 या 10 इंच के अंदर, 1 फुट के करीब है। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा 1 फुट होगा आप कह सकते हैं, मात्र 10 इंच के अंदर ये मूर्ति निकली है, और ये है साथ लगता तुलसी का पेड़, और ये है वो शख्स जिसके यहाँ से ये मूर्ति निकली है। रोहतास गांव बसी। हाँ जी, हाँ जी, तो किस तरह निकली है मूर्ति ये? ये तो घर वाले ना फूल लगा रहे थे यहाँ पे। हाँ जी, फूल लगाने लगाने उनके पैर में जैसे मूर्ति चुभी है, उन्हें सोचा कोई पैर के नीचे ना ईंटियां कक्कर या कुछ ऐसे कोई चीज आ गई। जब वो उठ कर चलने लगे तो एकदम ऐसे धक्का सा महसूस होया, मतलब कोई धक्का लगे, उस चीज से वो मतलब डर के घबरा गए, वो छोड़ के सामान ही आई थे अपना घर चले गए। घर से फिर 2-4 लेडीज एक गुड़िया थी उनको लेके बाद में आके देखा तो फिर मतलब थोड़ा मिट्टी खुदाई करी है लोहे की उसकी खुरपी के साथ, तो अपना उसमें तो देखा भाई बाबे का ये मुख निकलिया। फिर एक दो लेडी जाना और आया, वो निकालने से मना कर दिया, बोले भाई क्या पता क्या कैसे क्या बात हुआ है, तो फिर और बाहर की दूसरी लेडी जाना आकर निकाल ली। भाई धार्मिक भावना के साथ में खिलवाड़ ना हो, आस्था के साथ में खिलवाड़ ना हो, जो चीज है वो सच्चाई हो, और उस सच्चाई का पता भी लगना चाहिए, या मूर्ति सालों पुरानी है या फिर किसी ने रखी है, या कोई कहते कहीं पर ऐसा होता है मजाक करते हैं, मजाक रख देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ खिलवाड़ होना चाहिए। भगवान का एक अपना दर्जा है, अगर उसके साथ खिलवाड़ लोग करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल ना होनी चाहिए ना कार्रवाई। हाँ जी, अगर किसी ने रखी हो शरारत करी हो तो कार्रवाई होनी चाहिए इस पर भी। ठीक है जी। और एक और चीज है, आपकी आवाज अभी भी रंदी होगी ज्यादा, क्योंकि आपने सब्जी वगैरह लगा रखी है। हाँ, सब्जी सारा दिन यही रहा जी। इससे पहले कभी कुछ नहीं महसूस किया? कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ जो दादे का स्थान है जी हमारे पूर्वज का, तो घर के थोड़ा ये महसूस है कभी इस वजह से तो कोई दिक्कत नहीं आई हो, इसकी तो ध्यान भी कौन थी, वैसे चलो पूछते हम करते हैं इनकी, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं था जी, उस चीज से घबरा के वो चले गए थे। अच्छा, फिर बाद में लेडी जाना के बाहर के लोगों ने निकाल लिया जी आकर। अच्छा, बाहर के। एक बार दिखाओ मूर्ति, दिखाओ। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको दिखा रहे हैं वो मूर्ति जहाँ से बाबा खाटू श्याम की ये मूर्ति निकली थी, और जगह है और करीब इसी गहराई में बिल्कुल निकली है। ये देखो, आप देख लो अपने इस मूर्ति, ये वो गहराई है, ऐसे निकली है। ये भाई साहब कह रहे थे तो मौके पर नहीं थे, बाहर गए हुए थे, आसपास के महिलाओं ने ही इसको निकाला है। धार्मिक भावना के साथ में खिलवाड़ ना हो, आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, जो चीज है वो सच्चाई हो, और उस सच्चाई का पता भी लगना चाहिए, या मूर्ति सालों पुरानी है या फिर किसी ने रखी है, या कोई कहते कहीं पर ऐसा होता है मजाक करते हैं, मजाक रख देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ये आस्था के साथ खिलवाड़ चाहिए। भगवान का एक अपना दर्जा है, अगर उसके साथ खिलवाड़ लोग करे तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों भाई साहब? ठीक है, बिल्कुल ना होनी चाहिए ना कार्रवाई। हाँ जी, अगर किसी ने रखी हो शरारत करी हो तो कार्रवाई होनी चाहिए इस पर भी। ठीक है जी।
बिल्कुल है भाई, देख लो एक बार मूर्ति दिखाओ आप, ये देखो, ये देख लो, ये बिल्कुल मूर्ति है। ये बीच में जो आपने ब्लैक ब्लैक पेंट है, हाँ ये पेंट है बिल्कुल ब्लैक ब्लैक पेंट है। और दिखाइयो ये जो, ये देखो भाई नीचे से देख लो, इस पर थोड़ा थोड़ा सा जर भी लग रहा है। और तो दोस्तों जिसने ये वीडियो देखी है, मूर्ति देखी है, तो वो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि यदि ये कई साल पुरानी होती तो ये पूरी तरह से जंग लगी होती। जो ये नट है, नए नए नट है, बिल्कुल ताज़े नट दिख रहे हैं। और इसके ऊपर ये पेंट है, ये जो ब्लैक है ना, इसके ऊपर ये पेंट है, ये पेंट है, सुनहरा कलर है ना जो, यूवी पेंट है। हालांकि इस पर कोई मार्का नहीं है भाई, किस मार्के से है, कहाँ से बनाई गई है या नहीं बनाई गई, ऐसा कोई मार्का नहीं है, ना कोई डेट है, ना कोई इसके ऊपर अक्सर लिखे हुए फिलहाल। यानी कि सोने की तो नहीं है, सोने की कलर सोने की तो नहीं है, क्योंकि देखो ये पेंट देखो, सुनहरा पेंट है ना जो, ये कलर हो रहा है ना इसके ऊपर बिल्कुल, जो गोल्डन कलर है ना ये उतर रहा है। ये चीज तो क्लियर है भी, ये मूर्ति सोने की नहीं है, कोई धातु की उसके, हाँ, कोई हाँ, किसी और धातु की है, स्टील हो सके, सिल्वर हो सके, पीतल भी नहीं है, पीतल होता तो वजन होता इसमें ज्यादा। ये दिखने में तो स्टील लग रहा है जी, स्टील लग रहा है दिखने में तो, देख लो थोड़ा सा जो स्टील की चमक है ना, और जिस हिसाब से वेट है, सोना अपना रंग नहीं छोड़ेगा चाहे कैसे भी हो, क्यों ठीक है जी। मतलब भाई परसों निकली थी मूर्ति, परसों सवेरे। अच्छा तो आप क्या कहोगे इसके बारे में? मैं क्या कहूँ जी, अब किस तरह से रख रहे हो इसको? हाँ जी, अब कहाँ रख रहे हो इसको? अपने घर रख रहे हैं जी। कोई आया भी था यहाँ पर? हाँ काफ़ी आ लिए, मीडिया वाले भी है, यूट्यूब चैनल वाले भी आ लिए। अच्छा अच्छा, मंदिर कमेटी आई थी, उन्होंने मिट्टी भी लेके गया जाँच के लिए। अच्छा, तो मिट्टी की जाँच करवा लेंगे, मौत करवा लेंगे। एक बार ना वीडियो रोक कर कॉल करिए। बाबा खाटू श्याम नारे का सारा भी क्यों है, जब सारे सारे दर पर दुखी हो ना, हाँ तो इस दर पर सुखी हो जाएगा, इसके दर पर जाकर सुख मिलता है। हाँ जी, सुख मिलता है इसके दर पर। तो बिल्कुल है भाई, देखो इस टाइम गांव बसी था, आपने तस्वीर दिखाने लग रहे थे, और करनाल जिले का यू मैंने आके मिट्टी हटाई थी, उनको मुख मुख बाहर निकल गया। अच्छा अच्छा, मिट्टी किस चीज से हटाई थी? ऐसी हाथ से मिट्टी डाई, तो जो पहले ऊपर वो चक्कर आया था वो लगा ना, नरम थी जिन्होंने, वो ज्यादा टाइट थी, ज्यादा टाइट थी, वैसे हाथ से खुदाई होगी। तो जिसने मूर्ति निकाली पूरी लेडी जाने, उन्होंने क्या अलग निकाली? हाथ खोद दिया था ना, खून लगाने के लिए निकाल ली थी। नहीं, उन्होंने खुरपी खरपी यूज नहीं करी, मूर्ति निकाल देनी, हाथ के साथ मिट्टी हटाई। अच्छा, हाथ के साथ मिट्टी हटाई सारी है। माता जी कहाँ आयो? नमस्कार जी, कौन सा काम है? अच्छा, दपेडी था, ये मूर्ति देखने आए हो? क्या पता चला था आपने? वीडियो देखी थी। अच्छा अच्छा, वीडियो मैं वही कब, बिल्कुल हम भी यही देखने के लिए आए हैं। और तो मतलब कहाँ से आओ जी आप? कैथल से आए। अच्छा, कैथल से ये देखने के लिए सिर्फ? हाँ, इन्हें अपने मामा जी आई हैं। अच्छा, तो हम पास ये संध आ रहा था, मैं कहा चलो एक बार देख के आए, पता लग गया था हमने भी, एक बार देखें क्या है क्या नहीं। वैसे इनकी आस्था बहुत ज्यादा है, ये भी यही चाह रहे हैं, देखें तो क्या मतलब, ये कोई खिलवाड़ तो नहीं कर गया कोई। जी जी, हमारा भी यही मकसद है वीडियो चलाने का, कि भी लोग ना अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़।